सो स्टूडेंट नाउ अब हम देखेंगे कॉमन पोस्टल डिफॉर्मिटीज. स्टूडेंट डिफॉर्मिटीज क्या है, कॉमन पोस्टल डिफॉर्मिटीज. तो स्टूडेंट बॉडी का शेप जो होता है ना, अगर वो शेप लेस हो जाता है, शेप में किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है, मान लीजिए बोन में प्रॉब्लम है, मसल में प्रॉब्लम है, तो उसका शेप वो बिगड़ जाता है. तो ये डिफॉर्मिटीज में आता है, ये डेली लाइफ का प्रॉब्लम है जो एक्चुअल देखा जाए तो बहुत लोगों को ऐसा हो जाता है. कुछ कुछ रीजंस है ये भी हम इसमें डिस्कस करेंगे जिस वजह से डिफॉर्मिटीज होते हैं ह्यूमन लाइफ में. चलिए हम देखते हैं कॉमन पोस्टल डिफॉर्मिटीज जो है वो टोटल 7 है आपके सिलेबस में. तो वो कौन कौन से हैं चलिए जानते हैं. जो है पहला नॉक नी, फ्लैट फुट, राउंड शोल्डर, लॉर्डोसिस, काइपोसिस, बो लेग एंड स्कोलियोसिस. स्टूडेंट ये सारे जो है डिफॉर्मिटीज हैं जो टोटल 7 में है. तो ये देखिए स्टूडेंट, दिस रेफर्स टू द डिफॉर्मेशन इन द स्केलेटन स्ट्रक्चर और वेयर द बॉडी पार्ट्स आर नॉट एलिंग दैट रिजल्ट इन सम काइंड ऑफ पोस्टल डिफॉर्मिटीज. पीपल हैविंग पोस्टल डिफॉर्मिटीज कैनॉट परफॉर्म देयर वर्क एफिशियंटली. कोई भी वर्क को एफिशियंटली वे में पीपल नहीं कर पाते हैं, इंडिविजुअल वो नहीं कर पाता है बिकॉज उसके बॉडी डिफॉर्मेशन में, डिफॉर्मिटीज में है, पोस्टल डिफॉर्मिटीज में उसकी बॉडी. इस वजह से किसी भी वर्क को वो एफिशिएंट वे में कैसे कर पाएगा. बाय द वे एक इंडिविजुअल है, उसका बैक बोन, इट्स मीन स्पाइनल कॉर्ड में कोई प्रॉब्लम है, तो वो सही तरीके से बैठ नहीं पाएगा, सही तरीके से चल नहीं पाएगा, सही तरीके से खड़े भी नहीं हो पाएगा. ये सारे चीज को ध्यान में रखते हैं. तो अब जानेंगे हम पोस्टल डिफॉर्मिटीज कौन कौन से हैं और उसके कॉसेस क्या हैं. तो सबसे पहले हम देखेंगे नॉक नी. स्टूडेंट नॉक नीज इज वन ऑफ द मेजर पोस्टल डिफॉर्मिटीज. इन दिस डिफॉर्मिटी बोथ द नीज नॉक और टच ईच अदर वाइल इन नॉर्मल स्टैंडिंग पोजीशन. द गैप बिटवीन द एंकल्स गोज ऑन इंक्रीजिंग. द इंडिविजुअल फेसेस डिफिकल्टी इन वॉकिंग एंड रनिंग. इंडिविजुअल को डिफिकल्टी होता है चलने में एंड रनिंग करने में, वॉकिंग एंड रनिंग में बहुत प्रॉब्लम होता है. और नॉक सिक्स में क्या है, जो आपस में जो दोनों नीज है ना आपस में टच हुए होते हैं. देखिए पिक्चर मेंशन किया गया है, यहाँ पे दोनों नी आपस में टच हुए हैं. जो घुटने हम कहते हैं आपस में एक दूसरे घुटने को टच करना ही नॉक नीज कहलाता है. इसमें एक दूसरे जो नीज होते हैं ये आपस में एक दूसरे से टच हुए होते हैं. ये भी पोस्टल डिफॉर्मिटीज है जिसमें कुछ पैर का जो एंगल है देखिए कुछ इस तरीके से बन जाता है, ठीक है, इस तरीके से बन जाता है. ये दोनों घुटने आपस में टच हुए होते हैं, दोनों नीज आपस में टच होते हैं, जिसे ही नॉक नीज डिफॉर्मिटीज कहते हैं. तो स्टूडेंट कॉसेस भी जानते हैं इसका. चलिए तो पहला है वीकनेस ऑफ मसल्स एंड लिगामेंट्स. वीकनेस ऑफ मसल्स एंड लिगामेंट्स इसका पहला कॉज है. ओवरवेट बॉडी, बॉडी अगर ओवरवेट में है, ओबेसिटी में है, तो ये प्रॉब्लम आपको हो सकता है. नेक्स्ट लैक ऑफ बैलेंस डाइट. बैलेंस डाइट इट्स मीन बैलेंस डाइट में कोई सफिशियंट वे में अगर बैलेंस डाइट हमें नहीं मिल रहा है और इंडिविजुअल नहीं ले रहा है तो भी ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है. नेक्स्ट है लैक ऑफ विटामिन डी. विटामिन डी की अगर कमी है तो भी ये प्रॉब्लम हो सकता है. स्टूडेंट ये नॉर्मल है, ये जो था ये नॉर्मल था. ये नॉक नीज के आपके जो पिक्चर है आपको मेंशन किया गया है और ये बो लेग जो आगे हम डिस्कस करेंगे. देखिए नॉक नीज में दोनों नीज आपस में टच हुए हैं, टच हो रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट. नेक्स्ट हम देखेंगे फ्लैट फुट. ये भी पोस्टल डिफॉर्मिटीज में आता है. इट इज अ डिफॉर्मिटी ऑफ द फीट. इन दिस डिफॉर्मिटी देयर इज नो आर्क इन द फुट एंड इज कंप्लीटली फ्लैट. द इंडिविजुअल फेसेस प्रॉब्लम वाइल स्टैंडिंग, वॉकिंग, जंपिंग एंड रनिंग. स्टूडेंट देखिए क्या दिया गया है, इंडिविजुअल क्या क्या प्रॉब्लम फेस करता है इस पे, स्टैंडिंग, वॉकिंग, जंपिंग एंड रनिंग एटसेट्रा. कब, जब उसे फ्लैट फुट का डिफॉर्मेशन होता है, वो फ्लैट फुट के डिफॉर्मिटी में आता है. तो स्टूडेंट इन सब में फ्लैट फुट कौन सा है, ये वाला जिसमें फीट टोटली फ्लैट होता है, ठीक है स्टूडेंट. हमें किस तरीके का फिट इंडिविजुअल का होना चाहिए, कुछ इस तरीके का. ये देखिए नॉर्मल फुटप्रिंट है, ये नॉर्मल फुटप्रिंट ऐसे आर्क में होना चाहिए. बट क्या होता है फ्लैट फुट में, जो ये आर्क है वो नहीं होता है और ये पूरा का पूरा ये हिस्सा पूरा फ्लैट होता है, ठीक है. और ये जो है स्टूडेंट ये हॉलो फुट है जिसमें आपका जो फुट है वो टू पार्ट में डिवाइड हो जाता है और आर्क जो है ना बहुत ज्यादा हो जाता है, ऐसा इसलिए होता है. तो खैर इसके ऊपर अभी हम स्टडी नहीं करेंगे बिकॉज ये आउट ऑफ सिलेबस है, ये नहीं है आपके सिलेबस में हॉलो फुट. बट फ्लैट फुट आपने देख लिया इस तरीके से होता है फ्लैट फुट, जिसमें फुट आपका एकदम फ्लैट हो जाता है. और नॉर्मल फुट जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, ये नॉर्मल फुट. तो कॉसेस भी चलिए हम इसके जानते हैं. वीक मसल्स दैट कांट बियर द बॉडी वेट.
ठीक है स्टूडेंट. सेकंड है स्टैंडिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम. एंड थर्ड है यूज ऑफ पुअर क्वालिटी फुटवेयर नॉट हैविंग एन आर्क. ऐसे फुटवेयर को अगर यूज कर रहे हैं जिसमें आर्क नहीं है और वो बहुत बेकार क्वालिटी का है, पुअर क्वालिटी का है, तो भी ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है. बॉडी मसल वीक है तो बॉडी को, बॉडी का जो बॉडी वेट जो होता है मसल के ऊपर भी तो रहता है ना. तो अब मान लीजिए मसल वीक है तो कॉमन सा बात है आपका कांट बियर द बॉडी वेट, आपका बॉडी वेट संभाल नहीं सक पा रहा है ठीक से, तो वो ये प्रॉब्लम हो सकता है. बॉडी वेट, बॉडी ठीक से संभाल नहीं पा रहा है तो भी ये प्रॉब्लम फ्लैट फुट का हो सकता है. इसलिए हम कहते हैं कि बॉडी वेट जो है बीएमआई के अकॉर्डिंग ही रहना तो सही. अगर बीएमआई का अकॉर्डिंग नहीं जा रहा है बॉडी वेट तो प्रॉब्लम होने का चांसेस बनता है. इट्स मीन ओबेसिटी, ओवरवेट ऐसा जब जा रहा है तो बॉडी ओवरवेट हो रहा है जो उस टाइम के लिए बॉडी के लिए वो ओवरवेट सही नहीं है तो फ्लैट फुट होने के चांसेस बनते हैं. लेकिन बॉडी नॉर्मल वेट में है, ओवरवेट में नहीं है, ओबेसिटी में नहीं है तो नॉर्मल फुट कॉमन सा बात है, रहेगा ही रहेगा. ठीक है स्टूडेंट, हमने फ्लैट फुट समझ लिया. नेक्स्ट हम देखेंगे राउंड शोल्डर. इट इज अ पोस्चरल डिफॉर्मिटी इन विच द शोल्डर्स बिकम राउंड एज दे आर ड्रॉन फॉरवर्ड, द हेड इज एक्सटेंडेड एंड द चिन पॉइंट फॉरवर्ड. हेड एक्सटेंड एंड चिन पॉइंट फॉरवर्ड हो जाता है और शोल्डर जो है राउंड शेप ले लेता है स्टूडेंट. ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है? सिटिंग ऑन इम्प्रॉपर फर्नीचर कैन कॉज राउंड शोल्डर. इम्प्रॉपर फर्नीचर में अगर वो इंडिविजुअल बैठता है तो ये प्रॉब्लम होने के चांसेस बन जाते हैं. कैरिंग हैवी वेट ऑन शोल्डर, अगर शोल्डर में हैवी वेट वो उठाता है, कैरी करता है तो ये प्रॉब्लम हो सकता है. ड्यू टू पुअर पोस्चर इन वर्क पर्टिकुलरली इन अ डेस्क जॉब. डेस्क जॉब मतलब बैठ के करने वाला काम जिसमें डेस्क बेंच या चेयर टेबल होते हैं और वो बैठ पोस्चर में बैठता है, काफी टाइम तक बैठता है, तो भी ये प्रॉब्लम हो सकता है राउंड शोल्डर का. ठीक है, ये डिफॉर्मिटीज के बारे में भी हमने समझ लिया. अब नेक्स्ट हम देखेंगे स्टूडेंट लॉर्डोसिस. इट इज द इनवर्ट कर्वेचर ऑफ द स्पाइन. इट इज एन इंक्रीज्ड फॉरवर्ड कर्व इन द लंबर रीजन. इसमें लंबर रीजन फॉरवर्ड कर्व ले लेता है. इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम इन स्टैंडिंग एंड वॉकिंग. स्टैंडिंग एंड वॉकिंग में बहुत प्रॉब्लम करता है बिकॉज इसमें जो लंबर रीजन है फॉरवर्ड कर्व बन जाता है. देखिए कुछ इस तरीके से, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल स्पाइन का पिक्चर है. लेकिन यहां देखिए स्पाइन कर्व एक आ गया है, यहां पे स्पाइन के जो लोएस्ट एरिया यहां पे कर्व आ जा रहा है और लंबर रीजन जो है हमारा ये जो बोन है ये फॉरवर्ड बैक साइड चला जाता है. ठीक है, आगे का साइड, पीछे के साइड आगे निकल जाता है, पीछे के साइड वो निकल जाता है. तो ये लॉर्डोसिस में से हम ले लेते हैं, ये जो पिक्चर है लॉर्डोसिस को मेंशन कर रहा है. ठीक है स्टूडेंट, इसमें कर्व बन जाता है, अच्छा खासा कर्व बन जाता है जो किस वजह से होता है चलिए जानते हैं. कॉसेस हैबिचुअल ओवर ईटिंग, अगर बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग है किसी इंडिविजुअल का, अननेसेसरी चीज खाते रहता है बहुत, तो इस वजह से भी ऐसा हो सकता है. इम्प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ मसल्स, मसल डेवलपमेंट ठीक से हो नहीं रहा है, इम्प्रॉपर वे में हो रहा है तो भी ये हो सकता है. नेक्स्ट लैक ऑफ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज की कमी, अगर वो एक्टिविटी नहीं करता है, फिजिकल एक्टिविटी में खुद को इन्वॉल्व नहीं रखता है तो भी ऐसा होने के चांसेस बनते हैं. कौन से डिफॉर्मिटी? लॉर्डोसिस. ठीक है, लॉर्डोसिस के बारे में आपने देख लिया, तो लॉर्डोसिस को हमने काफी अच्छे से समझ लिया. इसमें जो दिया गया है फॉरवर्ड कर्व इन द लंबर रीजन, किसमें हो जाता है ये? लॉर्डोसिस में. ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट हम देखेंगे काइपोसिस. इट इज अ डिफॉर्मिटी ऑफ द स्पाइन इन विच देयर इज एन इंक्रीज ऑफ एक्सरेशन ऑफ अ बैकवर्ड कर्व और अ डिक्रीज ऑफ अ फॉरवर्ड कर्व. इट इज ऑल्सो कॉल्ड राउंड अपर बैक. हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं? काइपोसिस को कुबड़ निकलना, आपने काफी बार सुना होगा. तो कुबड़ वाले जो प्रॉब्लम होता है जिसे ही हम काइपोसिस कहते हैं, काइपोसिस के नाम से जानते हैं, जिसमें क्या होता है स्टूडेंट, ये तो देखिए नॉर्मल पोजीशन वाला स्पाइन है लेकिन इसमें स्पाइन पीछे के साइड कर्व ले रहा है, जो हमारे पीठ के साइड जो हम कहते हैं जिसे पीठ के साइड स्पाइन जो है ना कर्व में आ जाता है. देखिए ये कर्व बन जाता है, ये ऐसा कुछ कर्व बन जाता है. ठीक है, तो इसे हम काइपोटिक स्पाइन भी कहते हैं. तो क्या क्या वजह है इसका, क्या कारण है? रीडिंग इन डिम लाइट, कम रोशनी में पढ़ना, बोलते हैं ना कि कम रोशनी में नहीं पढ़ना चाहिए नहीं तो स्पाइन में बैड इफेक्ट पड़ता है. बिकॉज वाई? क्योंकि हमें झुक के पढ़ना पड़ता है जिस वजह से स्पाइन में एक अच्छा खासा एक तनाव, एक खिंचाव आ जाता है जिस वजह से वो पीछे के साइड बैंड हो जाता है और वो पीछे के साइड से निकल जाता है, कर्व ले लेता है, वो कर्व पोजिशन उसमें ज्यादा आ जाता है क्योंकि वो जब झुक के पढ़ते हैं, क्योंकि कम लाइट है तो कोई चीज ठीक से दिखता नहीं है इंडिविजुअल को या स्टूडेंट को, चाइल्ड को, तो वो उसके लिए क्या करता है, ठीक से देखने के लिए वो झुकता है और काफी टाइम तक वो झुके रहता है जिस वजह से डिम लाइट का रीडिंग का आपका ऑप्शन दिया गया है इसमें. ठीक है, कोर्सेस में आया है रीडिंग इन डिम लाइट. नेक्स्ट
कैरिंग अ हैवी लोड ऑन शोल्डर्स, अगर शोल्डर में हैवी लोड इंडिविजुअल कैरिंग कर रहा है, मतलब उठा रहा है बार बार लॉन्ग टाइम से, तो भी ये प्रॉब्लम हो सकता है. द हैबिट ऑफ बेंडिंग वाइल वॉकिंग, झुककर चलने वाला जो आदत होता है, बेंड होकर चलने वाला जो आदत होता है, इस वजह से हो सकता है. वेयरिंग टाइट एंड शेपलेस क्लोथ्स, टाइट क्लोथ्स एंड शेपलेस क्लोथ्स अगर पहनता है वो इंडिविजुअल, तो ये प्रॉब्लम उसे हो सकता है. ठीक है स्टूडेंट, कौन सा? काइपोसिस का, जिसमें जो स्पाइनल कॉर्ड है ये पीछे के साइड कर्व ले लेता है, अपर पीछे, ये काइपोटिक स्पाइन इसे हम कहते हैं. नेक्स्ट बोलेक्स, इट इज डिफॉर्मिटी, इट इज अ डिफॉर्मिटी जस्ट द रिवर्स ऑफ द नॉक नी पोजिशन. इन फैक्ट इफ देयर इज अ वाइड गैप बिटवीन द नीज, द डिफॉर्मिटी कैन बी ऑब्जर्व ईजिली वेन एन इंडिविजुअल वॉक्स और रन्स. बहुत ईजिली हमें डिफॉर्मिटी दिख जाता है जब वो इंडिविजुअल वॉक करता है या रन करता है, चलता है या दौड़ता है, तो ये डिफॉर्मिटी बहुत आसानी से हमें दिख जाता है. कौन सा? बोलेक्स. और इसमें क्या होता है, जो बो, इट्स मीन तीर धनुष, आप सुनेंगे तो धनुष, धनुष जिसे हम बो कहते हैं, तो वो कैसा, एक आर्क शेप में होता है स्टूडेंट. तो आर्क शेप में जो वो होता है स्टूडेंट, तो वो देखिए कुछ इसी तरह का आर्क बन जाता है. जो बोन होते हैं, जो लेग के बोन्स होते हैं, उसमें कुछ इस तरीके का आर्क बन जाता है. देखिए नॉर्मल में बोन सीधा रहता है, बट बो लेग में ये आर्क बन गया है, ये आर्क बन गया. ये तो नॉक नॉक नहीं है, इसके ऊपर हमने डिस्कस पहले कर लिया है. ठीक है, तो ये है इसका डायग्राम बो लेग का. तो ये क्या वजह से होता है, किस रीजन से होता है? तो लैक ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस इन बोन्स, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस का जब कमी हो जाती है तो ये प्रॉब्लम हो सकता है. फोर्सिंग बेबीज टू वॉक एट अ वेरी अर्ली चाइल्ड, अर्ली चाइल्ड मतलब बच्चे को उसका उम्र को ध्यान ना रखते हुए कम उम्र में ही उसे चलने के लिए जब फोर्स किया जाता है तो वो चलता है, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है. कौन सी? बोलेक्स की. नेक्स्ट हम देखेंगे स्टूडेंट स्कोलियोसिस, इट इज अ पोस्टरल डिफॉर्मिटी ऑफ स्पाइनल कर्वेचर इन विच देयर इज वन लार्ज लेटरल कर्व एक्सटेंडिंग थ्रू द होल लेंथ ऑफ द स्पाइन और देयर मे बी टू कर्व्स. दिस टाइप ऑफ डिफॉर्मिटी इज ऑल्सो कॉल्ड एस एंड सी कर्व. इसमें क्या होता है, जो स्पाइनल कॉर्ड है ना, देखिए स्टूडेंट स्पाइनल कॉर्ड जो ये हमारा है ये तो सीधा रहता है नॉर्मल वे में, बट स्कोलियोसिस में हमें क्या देखने मिलता है कि स्पाइनल कॉर्ड जो एक कर्व ले लेता है एस शेप में या फिर ये सी शेप में. ओके स्टूडेंट, ये सी शेप में कर्व ले लेता है या तो फिर ये एस शेप में कर्व ले लेता है, तो इसे भी ध्यान में रखना जरूरी है. स्कोलियोसिस में स्पाइनल कॉर्ड का किस तरीके से कर्व में चला जाता है, तो ये किस वजह से चला जाता है, क्या कॉसेस है इसके, चले जानते हैं. वन साइड फ्लैट फुट, अब जो इंडिविजुअल का वन साइड फ्लैट फुट का प्रॉब्लम है, डिफॉर्मिटी है, तो ये प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि उसे स्टैंडिंग पोजिशन में बैंड होकर स्टैंड होना पड़ता है, इस वजह से हो सकता है. हेरिडिटी डिफेक्ट, अगर उस इंडिविजुअल के पेरेंट्स को ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो वो इंडिविजुअल को भी, वो बच्चे को भी ये प्रॉब्लम आ सकता है. ठीक है स्टूडेंट, हमने समझ लिया स्कोलियोसिस के बारे में भी. करेक्टिव मेजर्स फॉर कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज. अब स्टूडेंट हम समझेंगे नेक्स्ट आपका, जो अभी हमने इतना टाइम पोस्चरल डिफॉर्मिटी के ऊपर स्टडी किया, डिस्कस किया कौन से पोस्चरल डिफॉर्मिटीज हैं, तो इसके कॉसेस क्या हैं, कैसे होते हैं ये, अब हम समझेंगे कि पोस्चरल डिफॉर्मिटीज को किस तरीके से ठीक किया जा सकता है, उसमें सुधार लाया जा सकता है. तो सबसे पहले हम जानेंगे करेक्टिव मेजर्स फॉर नॉक नी, नॉक नी के कौन से करेक्टिव मेजर्स हैं. तो स्टूडेंट हॉर्स राइडिंग इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर करेक्शन ऑफ नॉक नी, हॉर्स राइडिंग करना. कीप अ पिलो बिटवीन द नीज एंड स्टैंड स्ट्रेट फॉर सम टाइम, बोथ द फीट शुड टच ईच अदर. नेक्स्ट है स्टूडेंट यूज ऑफ वॉकिंग कैलिपर्स मे बी बेनिफिशियल, खाली पाँव में चलना भी बेनिफिशियल है किन लोग के लिए, जिनको नॉक नीज है. परफॉर्म पद्मासना एंड गौमुखासना रेगुलरली, पद्मासना एंड गौमुखासना अगर रेगुलरली परफॉर्म करते हैं वो इंडिविजुअल, तो ये नॉक नी उसका प्रॉब्लम ठीक हो सकता है. नेक्स्ट है करेक्टिव मेजर्स फॉर फ्लैट फुट. अब फ्लैट फुट का करेक्टिव मेजर्स हम समझेंगे, पहला जंपिंग ऑन टोस फॉर सम टाइम, दूसरा रोप स्किपिंग, नेक्स्ट है स्टैंड अप एंड डाउन ऑन द हील्स, एंड नेक्स्ट वॉक ऑन द टोस. ये करेक्टिव मेजर्स थे फ्लैट फुट के. ओके स्टूडेंट अब हम नेक्स्ट समझेंगे करेक्टिव मेजर्स राउंड शोल्डर के. तो पहला होल्ड द हॉरिजॉन्टल बार रेगुलरली फॉर सम टाइम, परफॉर्म चक्रासना एंड धनुरासना
फॉर सम टाइम। कुछ योगासन भी हैं, देखिए योगासन भी इसमें जुड़ रहा है, जिस वजह से करेक्टिव मेजर्स हो रहा है, राउंड शोल्डर में आ रहा है, करेक्टिव मेजर्स आपके जो भी इससे पहले हमने डिस्कस किया उन सब में आ रहा है, क्योंकि योगासना भी काफ़ी बेनिफिशियल है करेक्टिव मेजर्स के लिए, किसी भी पोस्टल डिफॉर्मिटीज़ के करेक्टिव मेजर्स के लिए जो आसना होते हैं काफ़ी बेनिफिशियल होता है स्टूडेंट, ये बात को भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। जो आसना इसमें मेंशन किया गया है उस करेक्टिव मेजर्स में उसी आसना को परफॉर्म करने से वो करेक्टिव मेजर्स ठीक तरीके से वर्क कर पाता है, फ़ायदा मिल पाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे करेक्टिव मेजर्स फॉर लॉर्डोसिस। लाई डाउन इन प्रॉन पोजिशन, प्रॉन पोजिशन इट मीन छाती के बल लेटना, ठीक है, जिसे हम हिंदी में उल्टा लेटना कहते हैं। बेंड नीज फॉरवर्ड, लंज फॉरवर्ड विथ नी ऑन अ मैट, सिट ऑन अ चेयर विथ फीट वाइड अपार्ट, लाई इन प्रॉन पोजिशन ऑन द फ्लोर, सिट डाउन विथ नीज एक्सटेंडेड। ओके स्टूडेंट, ये करेक्टिव मेजर्स थे लॉर्डोसिस के। नेक्स्ट हम देखेंगे काइपोसिस के करेक्टिव मेजर्स। तो लाई ऑन द बैक, लाई डाउन इन द प्रोन पोजिशन, सिट इन अ नॉर्मल पोजिशन, ठीक है, करेक्टिव मेजर्स हैं काइपोसिस के। नेक्स्ट सिक्स्थ है करेक्टिव मेजर्स फॉर बोलेक्स। ये है बोलेक्स के करेक्टिव मेजर्स, कौन कौन से, वॉक फॉर सम डिस्टेंस ऑन द इनर एज ऑफ द फीट। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है वॉक बाय बेंडिंग द टोस इनवर्ड। नेक्स्ट परफॉर्म अर्धमत्स्येन्द्र आसना, गरुड़ आसना एंड अर्धचक्र आसना। देखिए यहां भी योगा का आसना मेंशन किया गया है करेक्टिव मेजर्स में, किसका, बोलेक्स का, ठीक है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट एंड लास्ट देखेंगे करेक्टिव मेजर्स फॉर स्कोलियोसिस। इसमें क्या है स्टूडेंट, लाई डाउन इन प्रॉन पोजिशन, इसमें भी वही पोजिशन में लेटना है, प्रॉन पोजिशन हमने आप डिस्कस कर लिया है कौन सा पोजिशन होता है वो। स्टैंड इरेक्ट विथ फीट फ्यू इंचेस अपार्ट। नेक्स्ट है स्टैंड इन द इरेक्ट पोजिशन विथ फीट सेवरल इंचेस अपार्ट। ये सारे करेक्टिव मेजर्स थे अलग अलग पोस्टल डिफॉर्मिटीज के, ध्यान में रखेंगे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है स्टूडेंट, करेक्टिव मेजर्स आपको उसमें मेंशन करना पड़ता है पोस्टल डिफॉर्मिटीज के। तो स्टूडेंट ये तो सारे करेक्टिव मेजर्स हमने जाना कि कौन से करेक्टिव मेजर्स कौन से पोस्टल डिफॉर्मिटीज में काम आते हैं, और कुछ योगासना भी इसमें शामिल है स्टूडेंट। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं जो टॉपिक है हमारा, स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन इंडिया, ठीक है स्टूडेंट। स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन इंडिया, वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री। इन एनिसेंट ओलंपिक्स वुमेन वे आर नॉट अलाउड टू इवन वॉच द स्पोर्ट्स कंपटीशन। इवन इन द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स विच वे आर हेल्ड इन 1896 इन द एथेंस, देयर वॉज नो पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन। 1896 एथेंस में जब ओलंपिक हुआ था तो कोई पार्टिसिपेशन हमें देखने नहीं मिला, कोई पार्टिसिपेशन वुमेन का उसमें नहीं था, ठीक है। देखिए दिया हुआ है 1896 इन एथेंस देयर वाज नो पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन। वुमेन पार्टिसिपेटेड फर्स्ट टाइम जब वुमेन पार्टिसिपेट लिए 1900 ओलंपिक्स में 22 वुमेन पार्टिसिपेटेड, कितने 22। बट आगे जब चल रहा है वो इन 1904 6 वुमेन पार्टिसिपेटेड, आफ्टर 100 ईयर इन 2000 सिडनी ओलंपिक्स 4069 women had participated. In 2008 Beijing Olympics 4637 women participated. कुछ टाइम तक ओलंपिक मूवमेंट जब स्टार्ट हुआ था तो उस पर वुमेन का कोई भी पार्टिसिपेशन देखने नहीं मिलता था, क्योंकि वुमेन अलाउड ही नहीं थे। बट जैसे जैसे दौर आगे चलता गया, ओलंपिक का मूवमेंट आगे बढ़ता गया ईयर के हिसाब से, ईयर के साथ, तो वुमेन का पार्टिसिपेशन इसमें बढ़ता चला गया, और आज के डेट में वुमेन का पार्टिसिपेशन काफी अच्छा अमाउंट में है स्टूडेंट। अब पार्टिसिपेशन इन इंडिया हम देखते हैं। कर्णा मलेश्वरी बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू सिक्योर अ ब्रॉन्ज मेडल इन वेट लिफ्टिंग इन सिडनी ओलंपिक गेम्स इन 2000। In 1984, performance of PT Usha was every good athletes.
देखिए इंडिया की तरफ से जो वुमेन ने पार्टिसिपेट लिया है गेम में, तो उसमें एक कर्णम मलेश्वरी नाम की एक वुमेन प्लेयर थी जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल लिया वेट लिफ्टिंग में, कब, 2000 में सिडनी ओलंपिक में, जब ओलंपिक कंडक्ट हुआ था। इन 1984 परफॉर्मेंस ऑफ पीटी उषा वॉज वेरी गुड एथलेटिक्स। 1984 में जो पीटी उषा थी उन्होंने काफी अच्छा अपना एथलेटिक्स में परफॉर्म दिया था। ठीक है, तो ऐसे ऐसे देखिए आगे बढ़ रहा है ओलंपिक का जो मूवमेंट है और वुमेन्स भी पार्टिसिपेशन लेना इसमें स्टार्ट हो चुका है। वैसा ही इन 2012 लंदन ओलंपिक गेम्स सानिया नेहवाल एंड एमसी मैरी कॉम गॉट ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है स्टूडेंट, इनफैक्ट देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ इंडियन वुमेन स्पोर्ट्स पर्सन हु हैव वोन वेरियस पोजिशन इन द वर्ल्ड कप, कॉमनवेल्थ गेम, एशियन गेम, SAF गेम्स एटसेट्रा। एमोंग दिस अंजू बी जॉर्ज, सानिया मिर्जा, कृष्णा पुनिया, NS चुन्नू, गरिमा चौधरी, ज्वाला गुट्टा, गीता फोगाट, हीना सिंधु, अंकिता दास, NS चुन्नू, दीपिका कुमारी आर द प्रोमिनेंट स्पोर्ट्स वुमेन। ये सारे जो नाम है ना इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन के हैं जो अपने लेवल में काफी अच्छा परफॉर्म्स किए हुए हैं ओलंपिक लेवल तक। ठीक है स्टूडेंट, जो इंडिया से बिलोंग है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट द रीजंस ऑफ लो पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स। अब वो रीजंस को हम समझेंगे, जानेंगे जिसके वजह से वुमेन का स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन लेना बहुत कम हो जाता है, बहुत वुमेन पीछे आ जाते हैं स्पोर्ट्स को लेकर, कि वो कौन से रीजन है जो इन सारे चीज में प्रॉब्लम करता है। चलिए जानते हैं। फर्स्ट है स्टूडेंट टाइम कंस्ट्रेंट। वुमेन फाइंड लेस टाइम फॉर स्पोर्ट्स ड्यू टू देयर डोमेस्टिक ड्यूटीज। डोमेस्टिक ड्यूटीज इट्स मीन स्टूडेंट घरेलू कामकाज में इतना व्यस्त रहती हैं कि उनको इन सब चीजों में ध्यान देने का मौका ही नहीं मिलता, स्पोर्ट्स या स्पोर्ट्स से फील्ड में अपने आप को इन्वॉल्व करने का समय नहीं मिल पाता, घरेलू काम में वो बिजी रहती हैं, व्यस्त रहती हैं, टाइम नहीं मिल पाता उनको। नेक्स्ट है स्टूडेंट सोशल कंस्ट्रेंट्स। द एटीट्यूड ऑफ सोसाइटी टुवर्ड्स पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन स्पोर्ट्स इन नेगेटिव। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हम देखेंगे लैक ऑफ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेशलाइज्ड कोचिंग सेंटर्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, इक्विपमेंट दैट आर सुटेबल फॉर वुमेन एथलीट्स आर नॉट प्रेजेंट एडिक्वेटली। समय से उनको, टाइम से उनको कोचिंग प्रोग्राम नहीं मिल पाता, ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं मिल पाता, कोच नहीं मिल पाते और सुटेबल इक्विपमेंट भी स्पोर्ट्स रिलेटेड एट ए टाइम नहीं मिल पाता, जिस वजह से प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट अब्सेंस ऑफ स्किल, देयर आर वेरी फ्यू फीमेल कोचेस अवेलेबल टू डेवलप द स्किल्स ऑफ वुमेन। सोशियोलॉजिकल कॉन्स्टेंट्स लिमिट द सक्सेस ऑफ मेल कोचेस विथ फीमेल एथलीट्स। स्टूडेंट मेल कोचेस तो अवेलेबल है बट फीमेल कोचेस का जब बात आ जाता है तो वो ये बहुत कुछ कम क्वांटिटी में ही अवेलेबल हो पाते हैं वुमेन्स को स्पोर्ट्स सिखाने के लिए, तो ये भी एक प्रॉब्लम हो जाता है जिस वजह से वुमेन्स थोड़ा अच्छा महसूस नहीं करती, थोड़ा अनकंफर्ट सा महसूस करती है। ठीक है कि उनका भी डिमांड होता है कि हमें भी सिखाने वाला, जो हमें भी जो कोच करने वाला हो, कोचिंग देने वाला हो, वो फीमेल हो, उनका भी थोड़ा ये इंटरेस्ट होता है इन सब चीज़ में। ठीक है, तो ये भी एक प्रॉब्लम हो जाता है अब्सेंस ऑफ स्किल कि एक देर आर फ्यू फीमेल कोचेस, मतलब कुछ ही फीमेल कोचेस अवेलेबल होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट कंसर्न फॉर फिजिकल पर्सनल सेफ्टी। Exercising in groups can make physical activity safer for women and girls. Community sports facilities should be provided with separate location for women. So student, ये सारे जो factors थे, सारे जो हमने अभी discuss किया points, तो ये इन सब points के वजह से, ये सारे factors के वजह से women को problem जाती है sports में participation लेने के लिए। So student, I hope कि ये chapter आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब next part में हम next chapter को लेकर discuss करेंगे। Thank you very much.